नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9th के संस्कृत विषय में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय शब्द क्या होता है? कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द अथवा विशेषण अथवा धातु या क्रिया वर्ब जो होता है उस शब्द के बाद या पीछे जुड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को संस्कृत में वाक्य रूप में कह सकते हैं कि प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः। कि प्रत्यय क्या है? जो शब्द के पीछे या बाद जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत भाषा के अंदर प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं, जैसे कृत धातु के पीछे या अन्य पट धातु के पीछे जो कर लगते हैं। इसके अंदर कई तरह के प्रत्यय होते हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम के अंदर ये चार तरह के प्रत्यय हैं। इसके अंदर कृत्वा, कुमुन, क्षत्री और सानच। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द के साथ लगते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। इसके अंदर दो प्रत्यय हैं अपने जो पाठ्यक्रम में है, तमप और तरप। स्त्री प्रत्यय, ये वे प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के अंदर स्त्रीत्व का बोध लाने के लिए लगाए जाते हैं। जिसमें है उसका उदाहरण है टाप, जैसे अज, अज के साथ जब टाप प्रत्यय लगेगा तो उसका अज का हो जाएगा अजा, तो ये स्त्री प्रत्यय होता है। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर जो क्रिया के साथ लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका पहला है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के अंदर जब किसी मूल शब्द या धातु का शब्द लगेगा तो उसके अंदर क का लोप हो जाएगा, कत्वा शेष रहेगा। जैसे उसका उदाहरण है भू, पस धातु यानी भू, उनके साथ जब कत्वा प्रत्यय लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा भूतवा होकर के। इश प्रत्यय, इश का मतलब होता है इच्छा करना। इसके साथ जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो ये प्रत्यय से नया शब्द बनेगा इष्टवा, इच्छा करना। कृत धातु, कृत धातु का मतलब होता है करना। करने के साथ कृत धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो मूल जो नया शब्द बनेगा वो होगा कृत्वा, करके। इसी तरह से गम धातु, गम यानी जाना, गम के साथ जब कत्वा लगेगा तो नया शब्द बनेगा गत्वा, जाकर के। पठ धातु यानी पढ़ना, उसके साथ जब कित्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा पठित्वा, यानी की माता लग जाएगी पठित्वा, पढ़कर के। इसी तरह से आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका के अंदर या इस नोटबुक के अंदर दृश्य धातु चर, क्रुद और पा, पा यानी पीना, इनके साथ कित्वा प्रत्यय लगाकर आप नए शब्द बनाओगे।